इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही एशेज टेस्ट सीरीज का जो पहला मैच है वो बड़े रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक वक्त पर मैच में इंग्लैंड हावी था, फिर ऑस्ट्रेलिया आया, लेकिन उसके बाद अब जो कंडीशन है वो बराबरी पर है। आज पांचवा दिन है, ऑस्ट्रेलिया को बनाने हैं 174 रन और इंग्लैंड को चाहिए 7 विकेट। जो पहले कर लेगा वो जीत जाएगा एशेज का पहला मैच। इस मैच की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि इंग्लैंड ने बेसबॉल क्रिकेट खेला वहां पर। पहले दिन ऐसा लगा कि कहीं ऑस्ट्रेलिया की हवा ना निकाल दे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दमदार वापसी की और बेसबॉल की हवा निकाल दी। लेकिन अब अंतिम दिन पर मुकाबला आ गया है, टेस्ट मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे पहले इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में चौथे दिन तेज शुरुआत की थी। टीम के पूर्व कप्तान जो रूट ने तेजी से रन बनाए, वहीं दूसरी छोर ओली पोप भी अच्छे शॉट खेल रहे थे। लेकिन इंग्लैंड की इस तेज शुरुआत पर पैट कमिंस ने ग्रहण लगा दिया। उन्होंने ओली पोप का बड़ा विकेट झटका। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने ओली पोप को शानदार यॉर्कर मारकर आउट किया। इंग्लैंड की दूसरी पारी चल रही थी, कमिंस के सामने थे ओली पोप। कमिंस ने तेज इनस्विंग यॉर्कर को ब्लॉक होल में मारा। गेंद तेजी से अंदर की तरफ आई और पोप अपना बल्ला भी नीचे नहीं ला सके। गेंद उन्हें छकाते हुए सीधे ऑफ स्टंप पर जाकर लगी। बोल्ड होने के बाद ओली पोप का रिएक्शन देखने लायक था। वहीं नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े जो रूट तो एक्सप्रेशन लेस ही हो गए। अब इस गेंद की हर ओर तारीफ हो रही है। अब आज यानी मैच के पांचवें और आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को 174 रन बनाने होंगे, लेकिन इंग्लिश तेज गेंदबाज फुल अटैकिंग मोड में है। ऐसे में पहले टेस्ट का आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होने वाला। अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया 174 रन बना पाता है या फिर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज करते हैं धारदार गेंदबाजी और 7 विकेट झटक कर इंग्लैंड को मुकाबला जिता देते हैं।